दूर तक फैला नीला आसमान, हरे भरे मैदानों में खेलते बच्चे, पहली बारिश का रोमांस, समंदर का शोर, हर जगह पानी ही पानी और खुली हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। कई साल पहले हमारी दुनिया यानी अर्थ कुछ ऐसे हुआ करती थी। मैंने ये सब कभी नहीं देखा। ये किस्से मेरी माँ ने मुझे सुनाए थे और शायद उनको उनकी माँ ने। मेरा नाम रैंडम है, रैंडम शुक्ला। लोग कहते हैं कि मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूँ, बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। मैं जब 7 दिन का था मेरा हार्ट कोलैप्स कर गया था। बट डोंट फील सॉरी फॉर मी, उस साल पैदा होने वाले 43% बच्चों का हार्ट कोलैप्स कर गया था और पिछले 30 सालों से मैं आर्टिफिशियल हार्ट पे सर्वाइव कर रहा हूँ। एक्चुअली पोल्यूशन करके हमने इस प्लैनेट पे इतना कार्बन फैला दिया है कि अब खुली हवा में सांस लेना इम्पॉसिबल है। अब घरों के बाहर सबको मास्क पहनने पड़ते हैं और घरों में ऑफिसेस में ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रिसिटी की तरह सप्लाई की जाती है। आज ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट और शैम्पू की तरह। बड़ी बड़ी कंपनीज इसे फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करती है। ऑक्सीजन के हर कैन पर एक प्राइस टैग है और जो ये प्राइस टैग नहीं अफोर्ड कर पाए उनके लिए सरकारी ऑक्सीजन है और उसकी क्वालिटी के बारे में मैं अब क्या ही कहूँ। लेकिन असली प्रॉफिट है नेचुरल ऑक्सीजन में, जो इतनी रेयर है कि गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा रखा है और इसे पाने के लिए लोग मरने मारने पे उतर आए। अब हर शाम कर्फ्यू लगा दिया जाता है, शूटर साइट के ऑर्डर्स होते हैं। आज 2067 में ऑक्सीजन इज अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री और अगर कुछ फ्री है तो सिर्फ is to inform you, supply of oxygen will be interrupted from 7 a.m. onwards. You are requested to wear a mask until the oxygen supply is resumed. Inconvenience is deeply regretted. ओ रैंडम, याकूब भाई ने बुलाया है, कोई बड़ी पार्टी है। साली सख्ती इतनी बड़ी हुई है कि वो अपना आदमी भेज नहीं पाएंगे। चले अबे, सोच क्या रहा है? ऑक्सीजन के धंधे का किंग है याकूब, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। आज के हाई सोसाइटी का नया ड्रग है ऑक्सीजन, एंड दिस इज वेयर आई कम इन। अपने आर्टिफिशियल हार्ट का पूरा फायदा उठाकर मैं नेचुरल ऑक्सीजन की छोटी मोटी स्मगलिंग करता हूँ। सच कहूँ तो ये मेरा पर्सनल रिवेंज है। जिस ऑक्सीजन की वजह से मेरा दिल खराब हुआ है ना, उसी से मैं नया दिल खरीदूंगा और बाकी अमीरजादों की तरह मैं भी अर्थ छोड़कर मार्स निकल जाऊंगा। भाई वो मैंने बताया था ना, ये वही है। तो तू है रैंडम, इतनी सख्ती में माल कैसे ले जाएगा? आर्टिफिशियल हार्ट की वजह से ऑक्सीजन रखने का लाइसेंस है मेरे पास। दिखा। असलम, कैन ले जा सकता है? 3-4 कैन चेक पोस्ट से निकाल सकता हूँ। हंड्रेड % नेचुरल ऑक्सीजन की डिलीवरी है, खरीदने वाला मार्स से आया है शाह। 40 करोड़ का माल है,
कर्फ्यू लगने से पहले पहुंचा दे, दोनों को 1-1 करोड़ मिलेगा। 4 से कम में हम काम नहीं करेंगे। 4 करोड़ औकात है तेरी? देखते हैं। बात अपनी जिंदगी की हो तो हार और जीत को दिल से लगाना बेवकूफी होती है। दो काम होने के बाद कर्फ्यू लगने से पहले आ जाना, वरना ना पुलिस छोड़ेगी ना मैं। Attention please. Illegal sale of unauthorized oxygen is a punishable offense. मेरी तरह इस स्टेशन पे खड़े सभी लोग मजबूर हैं, लेकिन शहर के जिस इलाके में मैं जा रहा हूं वहां सरकारी नहीं प्राइवेट कंपनीज की हाई क्वालिटी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और मुझे तो डाउट है कि सालों के पास पानी भी होगा। वैसे ये डील डेंजरस तो है, लेकिन मैं डिसाइड कर चुका हूं, या तो 20 साल जेल या एक नई जिंदगी। बैग में ऑक्सीजन क्यों है? सर लाइसेंस है। बंदूक का ना ऑक्सीजन का लाइसेंस लगे। चेक तो कर लो सर। अच्छा, आर्टिफिशियल दिल है, इसको मत खो दियो, वरना इलीगल ऑक्सीजन कैरी करने के चक्कर में चार्ज लग जाएगा। चल। यस सर। The Mars Stock Exchange shot through the roof today after Giantis Group announced their plans to invest in a mega project enabling oxygen production on Mars. Mr. Shah, Yakub bhai ne bheja. Good. I was waiting for you. पानी ऑफर कर रहे हैं, नो डाउट अब मार्स से। 5 साल का था जब मार्स पे गया था, अभी 3 दिन पहले आया हूं। यहां आने की कोई खास वजह? पृथ्वी पे लोग 2 ही वजह से आते हैं, बिजनेस एंड प्लेजर। बिजनेस तो कर लिया, प्लेजर के लिए तुझे बुलाया। Himalayan O2, collected and packaged at 800 meters above sea level. Non-toxic, 100% pure oxygen. इसमें हल्की-हल्की सी नमी रहती है ना? हाँ। तो कैसे होता है यहाँ? एक हाथ दे, एक हाथ ले। तो अगर इसमें वो नहीं हुआ जो तू कह रहा है तो
खुशकिस्मत है कि ये मिल गई। अब तो बहुत जल्द ये भी खत्म होने वाली है। खत्म तो सब होगा। यू नो, जब शटल से नीचे आ रहे होते हैं तो सिर्फ कार्बनिक कार्बन दिखाई देता है। इट्स ओवर। आप किनारे पे हैं और हम तूफान में, और तूफान से लड़ना हमें आता है। इट्स नॉट ओवर येट। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट यू पीपल। तूफान में खड़े रहकर भी गिव अप नहीं करते। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। जिस दिन पहली फैक्ट्री लगी थी ना, उसी दिन से एटमॉस्फेयर खराब होने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आप लोग सब बिजी थे, रिपोर्ट्स आ रही थी, दिल्ली की नदियों से झाग निकल रहा था। दैट वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। 100 साल में नहीं जागे तो अब क्या जागोगे? कयामत को आना था, सो आ गई। अब तो बस शिकार करो या हो जाओ। आई नहीं है, आ रही है, रोज आ रही है। किश्तों में आएगी कयामत। और ये जो तुम्हारा प्लैनेट है ना, एक बार जोर से हिलेगा और लंबी खामोशी। बातें तो बहुत गहरी करते हैं आप, लेकिन मैं जरा चलती हूँ। जिन्हें चलती थी वो चले गए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा है। ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, इसी की वजह से मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। ऑक्सीजन आप खरीदना चाहते हैं, भरोसा आप करना नहीं चाहते। और टेबल आपकी हिल रही है। सिचुएशन को और ड्रामेटिक नहीं करते हैं। I love drama. सारी मार्स पर लाइफ बहुत ठंडी होती है। कितनी भी कोशिश कर लो, सारा फकअप हो ही जाता है। एक गोली मुझसे चल चुकी है, मुझे मजबूर मत करना। कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ तुम्हारे होंगे। बंदूक तुम्हारे हाथ में है, पहले तुम पूछो। तुम्हें इसके अंदर शाने डाला? ये शान ही है। ये शाह है, मास पे ऑक्सीजन डीलर था, कैंस इसने मंगवाए थे। तो वो कौन था? नाम तो नहीं मालूम, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था, मुझे किडनैप करके मार्स पे ले जाने वाला था। सिक्योरिटी अपलिंग बंद कैसे हुई? उसने घर का पूरा मेन फ्रेम ऑफ कर दिया है। घर पे और कोई तो नहीं? पहले बताओ तुम कौन हो? मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बस मेरे माल की कीमत चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे जाने दोगे? तुम्हारे माल से कई ज्यादा कीमत है, बट दिस हैज इनबिल्ट सिक्योरिटी अलार्म। बिना पासवर्ड के अगर ये पानी बिल्डिंग से बाहर गया तो
अथॉरिटीज तक खबर पहुंच जाएगी। मैंने कहा था ना, सालों के पास पानी भी होगा। जहां से मैं आया हूं वहां एक ग्लास पानी के लिए मर्डर हो जाता है। इसके लिए तो वॉर हो जाएगा, वॉर। अटेंशन प्लीज, दिस इज टू इन्फॉर्म यू द इवनिंग कर्फ्यू इज इन प्लेस। ऑल रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टे इनसाइड। यू विल बी इन्फॉर्मड व्हेन द कर्फ्यू इज लिफ्टेड। इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड। बोला था तेरे दोस्त को कर्फ्यू लगने से पहले आ जाना, नहीं तो क्या करें। दौर ही कुछ ऐसा है, जो ऑक्सीजन की कीमत नहीं समझेगा मरेगा। पति के डेथ पर आप दुखी नहीं हुए? वो मेरे पति नहीं थे। ओह। मुझे ऑनलाइन खरीदा था। रेफ्यूजीज का और होता भी क्या है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। परी। रैंडम। आर्टिफिशियल है वो, जरा थोड़ा ओवरहीट हो गया था। अब क्या करोगी आप? आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। 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 I want to travel the world. Hello? Reboot initiating. Reboot initiating. Abort reboot sequence. Access denied. Shut down all processes. Access. दुनिया से तो लड़ लोगे, लेकिन अपनी किस्मत से कैसे लड़ पाओ? माल डिलीवरी करने आया तो आदमी मर गया, बदले में पानी मिला तो कर्फ्यू लग गया, लड़की में इंटरेस्ट आया तो साली रोबोट निकली। और ये सब सिर्फ इस ऑक्सीजन के लिए। इतना पानी देखकर तो नियत तो बदल जाती है ना। याकूब भाई, मुझे गलत समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? देख भाई, समस्या यह है कि सबको सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए। बड़ा ही कमीना टाइप का बंदर है ये आदमी। नहीं, सिस्टम रिपोर्ट ऑप्टिमाइज। सिस्टम भाई, पानी लोट हो गया, लड़की को भी ले चले। सिस्टम रिबूट ऑप्टिमाइजिंग। रोबोट है, क्या करेगा इसका? याकूब भाई, मेरी बात तो सुनिए। हम दो दो लाशें पड़ी है घर में, अभी सरकारी कुत्ते आएंगे सूंघते हुए, उनको भी तो कुछ बॉडी चाहिए ना। System reboot optimizing. System reboot optimizing. System reboot optimizing. System reboot optimizing. System reboot complete. System
ये सब क्या हो रहा है? मुझे ब्लैकआउट चाहते हैं। अरे वो नहीं, अलार्म क्यों बज रहे? सिक्योरिटी अलार्म है, पानी बिल्डिंग से बाहर गया है। अथॉरिटीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड और वो ऑफिसर्स आने ही वाले हैं। मैं ऐसे निकलना होगा। रुके तो दोनों मरेंगे। चलो पानी के पीछे। तो अब? अब पता नहीं यार। कोई बात नहीं, मिलकर कुछ कर लेंगे। कितनी अजीब बात है ना, परी को पता ही नहीं कि वो रोबोट है। शायद इसीलिए उसमें हमसे ज्यादा इंसानियत है, और एक हम है जो अपनी ही दुनिया बर्बाद कर बैठे। कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि एक बुरा सपना है कि मेरी रियलिटी, क्योंकि इस फ्यूचर का एक ही सच है, कार्बन।